एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो ट्रांसलेशन की सीरीज़ में आज हम सीखेंगे आई यू माई योर्स, मतलब कि आई मिस होता है मैं, और यू मिस होता है तुम, और माई मतलब होता है मेरा, और योर मतलब होता है तुम्हारा। तो इन चारों का यूज हम सीखेंगे किस तरह से आई यू माई और योर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है मैं प्रिया हूँ। तो आई मतलब होता है मैं, तो हम लिखेंगे आई, मैं की इंग्लिश आई। फिर उसके बाद हूँ की इंग्लिश होती है आई एम। उसके बाद प्रिया, तो प्रिया की इंग्लिश हो जाएगी, प्रिया उसका नाम है तो हो जाएगा प्रिया, तो हो गया आई एम प्रिया, मैं प्रिया हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यह मेरी गेंद है, तो इसका हो जाएगा यह मेरी गेंद है, तो यह की इंग्लिश होती है दिस। फिर हम लिखते हैं है की इंग्लिश, तो हो जाएगा इज। मेरी का मतलब होता है, मेरी का होता है माई, तो हो जाएगा दिस इज माई, और गेंद का होता है बॉल, तो जाएगा बी ए डबल एल, दिस इज माई बॉल, यह मेरी गेंद है। उसके बाद देखिए अगला हमारा सेंटेंस है तुम ऋषि हो। तुम यू मतलब होता है तुम की इंग्लिश होती है यू, तो हम लिखेंगे यू आर, और ऋषि उसका नाम है, तो हम लिखेंगे ऋषि, आर आई एस एच आई, ऋषि, यू आर ऋषि, तुम ऋषि हो। उसके बाद है वह तुम्हारी किताब है, तो हो जाएगा वह तुम्हारी किताब है, तो वह मतलब वह की इंग्लिश होती है दैट। फिर हम है की इंग्लिश लिखेंगे इज, तुम्हारी, तो तुम्हारे मतलब होता है योर मतलब तुम्हारा, दैट इज योर किताब, तो किताब की इंग्लिश होती है बुक, बी डबल ओ के, दैट इज योर बुक, यह तुम्हारी किताब है। उसके बाद है पांचवा, मैं रवि हूँ, तो मैं का इंग्लिश होता है आई, उसके बाद रवि, उसके पहले हम लिखेंगे हूँ, तो आई के साथ लगता है एम, और रवि नाम है, तो रवि की इंग्लिश रवि ही होगी, तो लिखेंगे रवि, आई एम रवि, मैं रवि हूँ। उसके बाद देखें यह मेरा बल्ला है, तो यह की इंग्लिश होती है दिस। फिर हम है की इंग्लिश लिखते हैं इज मतलब है, मेरा, तो मेरा की इंग्लिश होता है माई, और बचा क्या बल्ला, तो हम लिखेंगे बैट मतलब होता है बल्ला, दिस इज माई बैट, यह मेरा बल्ला है। उसके बाद है सातवां, तुम नेहा हो, तो तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू के साथ लगाते हैं आर, फिर नेहा, तो नेहा उसका नाम है किसी का, तो हम नेहा ही लिखेंगे, एन ई एच ए नेहा, यू आर नेहा, तुम नेहा हो। उसके बाद देखिए वह तुम्हारी कलम है, तो हो जाएगा दैट मतलब वह तुम्हारी, तो है की इंग्लिश पहले लिखेंगे दैट इज, फिर तुम्हारी, तो हो जाएगा योर, और फिर कलम, तो कलम की इंग्लिश होती है पेन, दैट इज योर पेन, यह तुम्हारी कलम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मैं पवन हूँ, तो मैं की इंग्लिश होगी आई, फिर आई के साथ लगता है आई एम, और पवन, तो पवन की इंग्लिश होगी, पवन उसका नाम है, तो लिखेंगे पवन, पी ए वी ए एन, पवन, आई एम पवन, मैं पवन हूँ। उसके बाद है यह मेरा केक है, तो इसका हो जाएगा दिस, फिर हम है की अंग्रेजी लिखेंगे इज, मेरा, उसके बाद मेरा का इंग्लिश लिखेंगे, तो हो जाएगा माई, और केक की इंग्लिश होती है केक, तो हो जाएगा दिस इज माई केक, यह मेरा केक है। उसके बाद है तुम रानी हो,
तुम रानी हो, तो हो जाएगा यू, यू के साथ होता है आर, फिर रानी, रानी उसका नाम है तो हो जाएगा रानी, यू आर रानी, आर ए एन आई रानी, तुम रानी हो। फिर है वह तुम्हारा फ्रॉक है, वह तुम्हारा फ्रॉक है तो हो जाएगा, वह की इंग्लिश होगी दैट। फिर हम लिखते हैं है की इंग्लिश इज, तुम्हारा योर, और फ्रॉक की इंग्लिश होती है फ्रॉक, एफ आर ओ सी के, दैट इज योर फ्रॉक, यह तुम्हारा फ्रॉक है। उसके बाद है मैं प्राची हूँ, तो मैं की इंग्लिश होगी आई, आई के साथ आई एम, उसके बाद है प्राची, प्राची उसका नाम है तो हम लिखेंगे पी आर ए सी एच आई, प्राची, मैं प्राची हूँ, आई एम प्राची। फिर है यह मेरी गुड़िया है, यह मेरी गुड़िया है तो यह की इंग्लिश हो जाएगी दिस, फिर है की इंग्लिश होगी इज, फिर मेरी, मेरी की इंग्लिश होती है माई, उसके बाद गुड़िया, तो गुड़िया की इंग्लिश होती है डॉल, डी ओ डबल एन, डॉल मतलब गुड़िया, यह मेरी गुड़िया है, दिस इज माई डॉल। उसके बाद 15 नंबर है हमारा सेंटेंस, मैं मोहित हूँ, तो मैं का हो जाएगा आई, और आई के साथ आई एम, आई मतलब हूँ हो जाएगा, और फिर बचा क्या मोहित, तो मोहित नाम है तो हम लिख देंगे एम ओ एच आई टी, मोहित, मैं मोहित हूँ, आई एम मोहित। तो इस तरह से हमने आज दिस और दैट का यूज किया, कुछ सेंटेंसेस हमने छोटे छोटे लिए थे, बहुत ही बेसिक सेंटेंस हैं, छोटे छोटे सेंटेंस हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह से और भी नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ, कमेंट में आप बताइए आपको किस तरह की वीडियोज़ चाहिए, तो हम वैसे ही वीडियोज़ लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।